Good morning, everyone. It's 8 o'clock now. 8, which is not very me, but कोई बात नहीं. कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा काम था कल. आज का काम ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, बट आई हैव अ शूट टू कंप्लीट टुडे एंड ब्लॉग एडिट करना है एंड ऐसे कुछ कुछ चिटर पिटर का आ जाए. तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन. मेरे फोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है. 15% हो गया क्योंकि मैं इतने देर से विवेक से वीडियो कॉल में बात कर रही थी, क्योंकि अगेन आई स्टार्टेड फीलिंग लो और मुझे बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था. एज आई सेड, मुझे शूट करना था बट मैं नहीं कर पाई. मन बहुत ख़राब है मेरा. जितना मैं दिख रही हूँ फाइन, उतनी फ़ाइन हूँ नहीं मैं. बट एनी वेज, आफ्टर टॉकिंग फॉर 3 to 4 लॉन्ग आवर्स, नाउ आई एम फीलिंग बेटर. ही इज़ माई थेरेपिस्ट. से बात करके आई फील सो मच बेटर. बहुत पॉजिटिव वाइब्स आता है. ही अंडरस्टैंड्स मी, ही लिसन्स टू मी. बहुत कम्फर्टेबल फील होता है मुझे उसके साथ. बहुत सारा ट्रॉमा है मेरे अंदर फ्रॉम चाइल्डहुड, इट हैज़ बीन देयर एंड फिर बहुत कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है. बट आई टॉक टू हिम, आई फील गुड, आई ओपन अप टू हिम द मिस्टेक्स आई डिड, द थिंग्स दैट हैज़ बीन हैपनिंग विथ मी. एंड यूजुअली ये सब चीज़ें मैं बात करती नहीं हूँ अपने चैनल पे या इंस्टाग्राम पे, बट सिंस हम बहुत दिन से अभी कनेक्टेड हो गए हैं एंड आई फील कनेक्टेड विथ यू, तो आई फील लाइक कि आई शुड बी मोर ओपन. ऑब्वियसली अब जितना मेरा पर्सनल स्पेस है वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ, बट जितना मैं बता सकती हूँ, जितना बता के मुझे फील होता है कि आई कुड हेल्प यू पीपल, आई कुड हेल्प, अगर मैं एक जन का भी मूड अपलिफ्ट करने में हेल्प कर पाऊँ वो मैं करती हूँ. तो इसीलिए इट्स जस्ट कि आप अकेले नहीं हो. इवन आई फील बैड, आई हैव माई लो डेज. मैक्सिमम दिन मुझे बहुत ख़राब फील होता है. मैं अपने आप को पुश करके काम कर लेती हूँ, बट आज मेरा मन नहीं किया तो आई गेव माई सेल्फ सम रेस्ट. ऑब्वियसली विवेक को भी बहुत काम रहता है, बट ही वॉज देयर फॉर मी एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर. एंड आई एम समबडी कि अगर मैं सुबह से कुछ सोचती हूँ एक रूटीन एंड उसके हिसाब से अगर कुछ नहीं होता है देन और ज़्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है कि यार सुबह से नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं होगा. बट आई थिंक ऐसा नहीं है. आई कैन स्टिल कीप डूइंग माई वर्क. तो इसीलिए आई थॉट कि अभी मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, आई कैन गो फॉर अ वॉक विथ बेला. उसको भी अच्छा लगेगा, शी वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर मी. तो आई वॉज थिंकिंग कि एटलीस्ट आई कैन डू द रेस्ट ऑफ माई रूटीन वॉट आई थॉट आई विल बी डूइंग. बहुत दिन बाद चलना हो रहा है. आई फील बिट टायर्ड, बट आज मैं सोचूँ एटलीस्ट 5,000 स्टेप्स चलना है, क्योंकि ओ नो, माई गोल इज़ टू रीच 10,000 स्टेप्स अ डे. तो क्योंकि मैं आज बहुत दिन बाद चलना स्टार्ट की हूँ तो 5,000 इज़ गुड, क्योंकि फर्स्ट दिन से अगर ओवरडू कर लूँगी तो बहुत चाप हो जाएगा मेरे को. मैं अभी 15 मिनट बाद की जस्ट टू रियलाइज़ कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की थी. तो आई वॉन्ट टू शेड माई वेट अराउंड 10+ किलोज, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोज. अभी आई एम 63-64 समथिंग लाइक दैट एंड आई वॉन्ट टू बी अराउंड 54-55. मैं घर पर हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दी. खाना. तो मैं घर पर तो हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दी हूँ और आई एम ऑल्सो डूइंग फ्री हैंड एक्सरसाइजेज योगा. बट आई थॉट कि आज से चलना भी स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो गोइंग आउट ऑफ ब्रेथ. सो या अभी अराउंड 3,200 स्टेप्स कुछ हुआ है. आई वॉन्ट टू कवर टिल 5,000 स्टेप्स. तो अभी थोड़े देर और भी चलना पड़ेगा. एंड आई हैव रियलाइज कि आजकल कोलकाता में 5 बजे के बाद अंधेरा शुरू हो जाता है और मच्छर भी आना शुरू हो जाता है. तो आई शुड स्टार्ट अर्ली फ्रॉम टमोरो. आज 4:30 हो गया था स्टार्ट करते करते. कल से मैं 4 बजे ही चले जाऊंगी. दिवाली आ ही रहा है एंड कल है धनतेरस. तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ खरीदने. तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा एंड धनतेरस का रिचुअल भी हो जाएगा. तो इसीलिए मैं इतना तैयार हो गई हूँ. एंड वॉकिंग करके आने के बाद आई वॉज एडिटिंग माई व्लॉग अ लिटिल बिट. जो अभी बचा है, जो आज अपलोड होना है, अभी तक पूरा एडिट भी नहीं हुआ है.
सभी गाड़ी में जाते जाते आई एम गोइंग टू एडिट। मेरे घर परिवार में सारे सो गए हैं, सिर्फ मैं ही एक जगह हूँ। मेरे फैमिली में सब 9 साढ़े 9 तक पैकअप हो जाता है एंड मेरा भी होना था, बट आज क्योंकि हम बाहर गए, घर आते आते बहुत लेट हो गया था, 9 बज गया एंड अभी 10:30 हो रहा है। आई वॉज वर्किंग, मेरा बहुत सारा पेंडिंग काम था, मैंने जल्दी जल्दी वो सब फिनिश किया। सो इफ़ आई लुक वेरी अगली प्लीज़ इग्नोर, आई हैव कम बैक योर जस्ट फॉर द डे टू ऑफ द स्किन केयर राइस वाटर टोनर जो हम कर रहे थे। तो अभी उसे खोल के देखते हैं अच्छे से फर्मेंट हुआ कि नहीं। इट्स नाउ आई थिंक 40+ आवर्स हो चुका है, ऐसे ही रख दिया था इसको, ये नीचे जम गया है। लेट्स शेक इट, यार मेरे बाल भी कैसे हो रखे हैं। ठीक है, इसको खोल के देखते हैं इफ इट इज स्टिंकिंग और नॉट। ओ गॉड, फेस स्टिंक में मिस कर रही थी कल और अभी देखो। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया अच्छे से, लाइक यस्टरडे, अच्छे से अपने फेस में रगड़ लूंगी मैं, बदबू है ये। तो ये मैंने लगा लिया है अच्छे से, अब इसको ड्राई होने का वेट करेंगे। आज रात को मैं इसको रेफ्रिजरेट कर दूंगी ताकि और ज़्यादा फर्मेंट ना हो। और मेरे फेस में कुछ तो दिख रहा है। यस, तो मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई एम गोइंग टू सी यू गाइज टुमारो। कल हम जा रहे हैं राजारहाट, मैं और पापा, सुबह सुबह निकलना है, सो इट्स गोइंग टू बी एडवेंचरस डे। सो स्टे विद मी एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज टुमारो, बाय। चलो बेला, लेट्स गो स्लीप।